वो भयभीत इससे हैं कि ये दलित शोषित पीड़ित बैकवर्ड का आदमी, शेड्यूल कास्ट का आदमी, जब ये रामकृष्ण को नहीं मानेगा तो फिर हमारी झूठी कथा कौन सुनेगा? क्या मुसलमान यदि राम और कृष्ण को नहीं मानता है तो क्या वो नरक में चला जाएगा? और जो मंदिर में जाएगा वो वहां पर भिखारी बनेगा और वह घंटा हिलाएगा? हिंदू का मतलब है वर्ण व्यवस्था, हिंदू का मतलब है ऊंच नीच, हिंदू का मतलब है छुआछूत, हिंदू का मतलब है अस्पृश्यता, हिंदू का मतलब है भेदभाव, हिंदू का मतलब है कि एक आदमी ऊंचा और एक आदमी नीचा। इंटरव्यू दे दिया है जो अब तक 9 लाख लोगों ने इनके चैनल पर सुन लिया है। और कोई प्रश्न थोड़ा अगर आप यहाँ भी क्लियर करें कि क्योंकि ये पाखंड जो है ये समाज में फैल रहा है ऐसा कहने में। भाई देवकी नंदन जी को स्वर्ग और नरक का सर्टिफिकेट दिया किसने? अरे यदि हम 22 प्रतिज्ञाएं मानते हैं तो जिसको हम छोड़ रहे हैं वो जाने। इसमें देवकी नंदन जी को कोई अधिकार नहीं है। देवकी नंदन जी 22 प्रतिज्ञाओं से इतने जो है भयभीत नहीं है। वो भयभीत इससे हैं कि ये दलित शोषित पीड़ित बैकवर्ड का आदमी, शेड्यूल कास्ट का आदमी, जब ये रामकृष्ण को नहीं मानेगा तो फिर हमारी झूठी कथा कौन सुनेगा? जिस कथा में आडंबर पाखंड है उसको कौन सुनेगा? जिस कथा में छुआछूत है उसको कौन सुनेगा? जिस कथा में ऊंच नीच है वर्ण व्यवस्था उसको कौन सुनेगा? और जब नहीं सुनेगा तो दान नहीं आएगा, और दान नहीं आएगा तो इनके मोटे मोटे पेट नहीं होंगे, और दान नहीं आएगा तो जो 56 प्रकार का भोज है वो इनको खाने के लिए नहीं मिलेगा। ये भाग्य और भगवान के नाम पर, ईश्वर आत्मा और परमात्मा के नाम पर, आडंबर के नाम पर, पाखंड के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर हजारों साल से देश का उन भोले भाले लोगों का दोहन करते आए हैं। ये उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्या मुसलमान यदि राम और कृष्ण को नहीं मानता है तो क्या वो नरक में चला जाएगा? क्या ईसाई राम और कृष्ण को नहीं मानता है तो क्या वो नरक में चला जाएगा? और क्या दुनिया को ब्रह्मा जी ने बनाया? यदि ब्रह्मा जी ने बनाया तो अमेरिका को किसने बनाया? लंदन को किसने बनाया जहाँ ईसाई हैं? आप मस्कट को किसने बनाया? सऊदी अरब को किसने बनाया? वहाँ तो रामकृष्ण को मानते नहीं, या अमेरिका में तो मानते नहीं। आज अमेरिका दुनिया का सबसे इकोनॉमिक इकाई बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर तमाम तरह के पूजा पाठ किए जाते हैं। ये देश गरीबी की रेखा से नीचे जा रहा है, ये देश कोई बहुत बड़ी प्रगति नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं, हमें भी दर्द है कि हमारे देश में भी राकेट लॉन्चर बने, हमारे देश में भी बड़े बड़े टैंक बने, हमारे देश में भी बड़े बड़े एरोप्लेन बने, हमारे देश में भी फायर ब्रिगेड बने, लेकिन सब चीज हम बाहर से ही आयात करते हैं। अरे भाई, इसको तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल कर गए थे, जो मंदिर में जाएगा, जो घंटा हिलाएगा वो भिखारी बनेगा, और जो कॉलेज में जाएगा वो वैज्ञानिक बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो जज बनेगा, वो मिनिस्टर बनेगा, वो आईपीएस बनेगा, वो आईएएस बनेगा, और जो मंदिर में जाएगा वो वहां पर भिखारी बनेगा और वह घंटा हिलाएगा, वो डॉक्टर अंबेडकर का स्वप्न कभी पूरा नहीं कर सकता। भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। ये कोई जरूरी नहीं है, ये भारत इनकी बपोती जागीरदारी नहीं है। ये भारत मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, बौद्धों का है, सिखों का है, जैनों का है, पारसियों का है। और जब ये भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता की लड़ाई में मुसलमान भी आगे आए थे, ईसाई भी आगे आए थे, सिख भी आगे आए थे। ये कोई जरूरी नहीं है। अरे सिख नहीं मानता है राम और कृष्ण को, वो केवल गुरु नानक को मानता है, तो क्या जबरदस्ती उससे कहेंगे कि तू राम कृष्ण को मान? ये कोई, ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान इस बात के लिए पूरा आपको गारंटी देता है कि आप लोग वैसे नहीं, इस तरह से जो संविधान कहता है। सर वो तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं ना भाजपा वाले,
हिंदू राष्ट्र बन रहा है सर। सर अदालत आप कह रही है बाकायदा कि मुसलमान को इंसान नहीं। देखो जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, संविधान को बदला जाएगा, उसके बाद में क्या होगा हम नहीं कह सकते। यहाँ की शांति भंग होगी, यहाँ पर तमाम तरह का आंदोलन शुरू होगा, यहाँ की रेलें रुक जाएंगी, यहाँ का तमाम अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप, ये कोई नेपाल नहीं है। जो नेपाल था हिंदू राष्ट्र, वो तो धर्मनिरपेक्ष हो गया, एक छोटा सा कंट्री जिसकी आबादी 2-3 करोड़ है, और ये 150 करोड़ वाले देश को जिसमें 25-30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर ईसाई रहते हैं, और 25 करोड़ से ज़्यादा यहाँ अम्बेडकरवादी रहते हैं, बैकवर्ड रहते हैं। अरे तुम कैसे बना दोगे, पुराने संविधान को आप लागू करोगे बड़ व्यवस्था के आधार पर, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर हिस्सा शिक्षा से वंचित हो जाएगा, धन से वंचित। हिंदू राष्ट्र बनते ही सारी समस्याओं से समाधान मिल जाएगा। अरे हिंदू पहले भी थे और अभी भी हैं। हिंदू का मतलब है वर्ण व्यवस्था, हिंदू का मतलब है ऊंच नीच, हिंदू का मतलब है छुआछूत, हिंदू का मतलब है अस्पृश्यता, हिंदू का मतलब है भेदभाव, हिंदू का मतलब है कि एक आदमी ऊंचा और एक आदमी नीचा, वहां पर कोई समानता है ही नहीं। सर 22 प्रतिज्ञा विवाद के बाद जिस प्रकार राजेंद्र पाल गौतम जी के ऊपर कार्रवाई की गई, उससे समाज जो है भयभीत है, क्या कहना चाहेंगे समाज? देखो 22 प्रतिज्ञाएं हम बौद्धों के लिए जो अम्बेडकर लोग हैं, दुनिया के बौद्धों को नहीं मानता मैं, थाईलैंड के बौद्ध 22 प्रतिज्ञा नहीं लेंगे, वो तो ऑलरेडी बुद्धिस्ट हैं, जापान के लोग, कोरिया के लोग, वियतनाम के लोग, कंबोडिया के लोग, इनको 22 प्रतिज्ञाओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं। ये 22 प्रतिज्ञाएं केवल उनको है जो हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, ये उनके लिए 22 प्रतिज्ञाएं। और 22 प्रतिज्ञाओं को मुझे ऐसा लग रहा है कहीं राजनीतिकरण न हो जाए, 22 प्रतिज्ञाओं का मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग राजनीतिक रोटी न सेकने लगे, 22 प्रतिज्ञा का मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से मैंने अपनी ज़िंदगी में आंदोलन देखे हैं, एक आंदोलन नहीं 46 वर्ष में मैंने हज़ारों आंदोलन देखे हैं, तूफान की आए, आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चले गए, ज्वार भाटा आया फिर बैठ गया। मैं ये आंदोलनों को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, इन आंदोलनों को अभी देखता हूँ, अभी इंतजार करते हैं। होता क्या है कि ये लोग राजनीति करते हैं लेकिन जिस धर्म का प्रचारक होता है उसको अलग कर देते हैं, कुछ चंद लोग उनके चमचे आते हैं और बैठ जाते हैं कुर्सी पर, देते हैं स्टेटमेंट, और जो लोग भीमयान की बात करते हैं, बौद्ध धर्म में दो ही सत्य हैं, एक हीनयान और एक महायान, उसके बाद बाबा साहब ने कहा बुद्धयान। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई भीमयान नहीं चलाया, बाबा साहब भीमयान की शरण नहीं गए, बाबा साहब ने भीमयान की शरण नहीं गए, बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि मैं अम्बेडकर की शरण जा रहा हूँ, बाबा साहब ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और आज जो भीमयान की बात करते हैं, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से कट जाएंगे, वो कहेंगे एक अलग से अपना धर्म चला रहे हैं, बौद्ध धर्म की आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को तो हम मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को तो हम मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का हम आभारी हैं, जिन्होंने भारत में बौद्ध धर्म पुनर्जीवित किया, जिन्होंने भारत में बौद्ध धर्म को पुनः से जीवित किया। अरे भाई उनकी आहत क्यों हो रही है? मेरा सवाल है, अभी आपने एक वक्तव्य दिया था जब आप भाषण दे रहे थे कि जब दलितों के ऊपर जुल्म होता है तो वो पुलिस थाने जाते हैं और जो है न्यायिक प्रक्रिया में जाते हैं, लेकिन मेरे ऊपर जब जुल्म हुआ तो मैंने उसका बदला लिया, बाबा साहब ने ही न्यायिक प्रक्रिया बनाए, संविधान बनाए, इस पे सर क्या कहना चाहेंगे अगर दलितों के ऊपर जुल्म होता है? देखिए सुनिए, यहाँ पर FIR नहीं होती है, वहाँ पर भी वही मनुवादी बैठा है, न्यायालय में न्याय नहीं मिलता है, न्याय की प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसलिए मैं कहता हूँ बौद्ध धर्म किसी की हत्या करने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं कहता हूँ कि हत्या करने वाले को जिंदा जाने की इजाज़त क्यों दी जाए, जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं उनको जाने की इजाज़त क्यों दी जाए, जो हमारे बुद्ध विहारों को लूटते हैं उनको हम
लड़ेंगे अपनी अस्मिता के लिए, मरेंगे। ये बात तो संविधान के खिलाफ है ना, संविधान कहते हैं कि कानून की शरण में। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने संविधान ऐसे लोगों को सौंप दिया है जो मनुवादी हैं और ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हाँ। उसके लिए क्या करोगे? आज जल जंगल जमीन के लिए आदिवासी लोग लड़ रहे हैं और झूठा उनको नक्सलाइट बनाकर उनको गोलियों से भूंजा जा रहा है। मुसलमान लोग अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, उन पर मॉब लिंचिंग की जा रही है। कहने का मतलब यह है, जिस धर्म में छुआ छूत नहीं है वो सनातनी कैसे हो सकता? जिस धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं है वो सनातनी कैसे हो सकता? भगवान बुद्ध ने कहा, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो वसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणो। जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है न शूद्र होता है, कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही शूद्र होता है। जो आदमी हजारों साल गुजर गए लेकिन ब्राह्मण जाति में जुल्म ले लिया तो वो ब्राह्मण रहा, चाहे वो बलात्कार कर रहा है, चाहे चोरी कर रहा है, चाहे डकैती डाल रहा है। बुद्ध ने कहा, जो अच्छा कर्म करेगा वो श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, जो खराब काम करेगा वो अश्रेष्ठ व्यक्ति होगा, नीच होगा, उसकी जाति सबसे छोटी होगी। अभी थैंक यू वेरी मच।